यूपी की कानपुर सिसमऊ विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने अपनी जीत को जनता का प्यार और आशीर्वाद बताया। सोलंकी परिवार की बहू ने उपचुनाव ही नहीं जीता बल्कि सिसमऊ की जनता का प्यार और विश्वास भी जीता है। नसीम सोलंकी ने पूरे चुनाव में सीधे भाजपा पर वार नहीं किया, उन्होंने अपने भावनात्मक मुद्दों को ही आगे रखा। चुनाव जीतने के बाद नसीम सोलंकी ने कहा कि सिसमऊ की जनता ने साबित कर दिया है कि इरफान उनका था, उनका है और उनका ही रहेगा। नसीम सोलंकी ने मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों से बात कर कहा कि मतदाताओं ने मेरे लिए लाठियाँ खाई, मार खाई, इसके बाद भी घरों से निकलकर मतदान करने पहुंचे। मैं और पूरा सोलंकी परिवार ताउम्र उनके इस प्रेम को भूलेगा नहीं, जिन्होंने मुझे वोट और आशीर्वाद दिया, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। खड़ी रहो, खड़ी रहो, खड़ी रहो, खड़ी रहो, बताइए भाई, आराम से कर लो, सभी ठीक है यार। बोलिए बोलिए भैया, नीचे भी कर लो, थोड़ा नीचे भी भैया, एक बार सब लोग रख लो भैया, बहुत है, एक बार आ ही नहीं रहा, प्लीज खामोश रहो, ठीक है, थोड़ी नीचे आगे आ जाओ, बराबर लगा ले यार भाई, इतनी बड़ी जीत हुई है, थोड़ा सा नीचे करो, बहुत बड़ी जीत हुई है, इंसाफ की जीत मिली है मुझे और मेरे जो सिसमऊ का जो परिवार है, मैं उनका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने मेरे लिए लाठी भी खाए, डंडे भी खाए, मार भी खाए, पर रुके नहीं, मेरे वोटर निकले गए, उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने मुझे दुआएं दी, तो आज मैं यहाँ हूँ आप लोगों के सामने, बहुत शुक्रिया। एक जीत की अगर वजह माने, क्या वजह आपको समझ आई जो आपकी जीत हुई है? मेरा हर तरह से जो विधायक जी भी अंदर है वो भी खूब दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए और मेरे लिए तो खास कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो इतने सालों से जो मेरा परिवार जुड़ा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि परिवार ने कभी नहीं छोड़ा है, तो जो सिसमऊ की जनता है उन्होंने कभी इरफान सोलंकी को नहीं नकारा था, आज उन्होंने साबित कर दिया कि इरफान उनका था और वो इरफान के। मंदिर गए थे उसके बाद से लोगों का काफी आलोचना झेलने पड़ी, क्या कहना है जी? काफी मंदिर गए, कोई नहीं, कुछ अब तो हाँ मिला मिला मिला, हर जगह मिला मुझे, हर मुझे जो है दुआएं मिली, मुझे आशीर्वाद मिला, जब भी आज मैं आप लोग के साथ दोबारा जाएंगी? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे अपने हैं जो उनको खुशी होती है मैं उनके साथ जाऊंगी। एक आखिरी सवाल, अब जीत के बाद क्या करेंगी, क्या प्लान है, कहाँ जाना है? बहुत सारे काम है अब करना, अब शुरुआत करना है, तो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अब काम शुरू करना है। दो साल तो हमने बहुत मेहनत करी है दूसरी तरीके से, पर अब मेरा जो परिवार है, जो मेरी सिसमऊ की जनता, उनके लिए मुझे मेहनत करनी है। जी जी, कल मिलने जाऊंगा। वोटों में जो हम लोग सोच रहे थे कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हुआ है। हाँ, वही हमारी आगे अभी रिजल्ट आने वाला है। हाँ, उसी में हिंदू वोटों में बंटवारा नहीं होता। सुरेश जी, क्या तो कटोगे बटोगे जैसे नारों से, क्या लगता है आपको, हिंदू एकजुट नहीं हुआ? अब इस विषय पे तो नहीं कह सकते, क्या हिंदू वोट आपको नहीं मिले हैं? अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं कमी लगेगी। तो आप हार अपनी हार सीधा मोदी स्वीकार कर? अभी तो करीब 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 तुम मान के चलिए कि आखिरी राउंड बची रह गया था, 20वां राउंड, 20वां राउंड के रिजल्ट नहीं आ पाया।